नमस्ते बच्चों, आज हमारी जो कक्षा है वो छठवीं है और विषय हमारा सामान्य विज्ञान है। और सामान्य विज्ञान में आज पार्ट 3 है सजीवों की विविधता और वर्गीकरण। आज हम लोग देखेंगे कि सजीवों की विविधता में प्राणियों तथा वनस्पतियों दोनों की जो विविधता है किस किस आधार पर है हम जानते हैं, उस आधार पर आज हम इस पूरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो आओ हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए वनस्पतियों में विविधता, घास जैसी बौनी होती है, ऊंचे वृक्ष होते हैं पानी के अंदर और पानी के ऊपर और मरुस्थलों में। इस प्रकार आप देखिए पृथ्वी पर कहीं भी या किसी आपकी दृष्टि जहाँ तक जाती है, जहाँ पेड़ पौधे होंगे तो आपको जमीन पर देखिए घास दिखाई देगी, कुछ छोटी वनस्पतियाँ होती हैं जिसे हम बौनी बोलते हैं, ऊंचे वृक्ष होते हैं जो बहुत विशालकाय होते हैं, और कुछ जो वनस्पतियाँ होती हैं पानी के अंदर होती हैं और कुछ पानी के ऊपर और कुछ मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान में। आप कौन सी वनस्पति पाई जाती है? नागफनी। तो आप ये देखोगे ये वनस्पतियों में विविधता है, तो इस विविधता के कारण ही ये इसका वर्गीकरण करना क्या हो गया, बहुत जरूरी हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्गीकरण जो हुआ किस किस आधार पर हुआ। तो जैसे सबसे पहले आते हैं वनस्पतियाँ में स्वयं पोषी अर्थात जो सूर्य का प्रकाश लेकर प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर अर्थात जो जिनके उनके अंदर जो पर्ण हरित होता है उसकी उपस्थिति में वो क्या करती है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाती है। उन्हें कौन सी वनस्पतियाँ कहते हैं? स्वयं पोषी वनस्पतियाँ कहते हैं, जैसे अनार, गुड़हल, सदाफूली अर्थात कोई भी हरी वनस्पतियाँ होती है, क्योंकि हरी वनस्पतियों में उनकी पत्तियों में पर्ण हरित पाया जाता है जिनकी सहायता से वो क्या करती हैं, अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, और इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, स्वयं पोषी वनस्पति कहा जाता है। अब आते हैं दूसरा जो टॉपिक है बच्चों, परपोषी। परपोषी क्या है? जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जैसे वनस्पतियों के भोजन का उपयोग करके जीवित रहती हैं। ये जो प्राणी होते हैं, जो वनस्पतियाँ होती हैं, वह क्या करते हैं, वह दूसरे वनस्पतियों के भोजन का उपयोग अपने खाने के लिए करते हैं और उसे ही खाकर वो जीवित रहते हैं। जैसे बादाम, अमरबेल और अन्य वनस्पतियाँ होती हैं, यह वनस्पतियाँ दूसरे वनस्पतियों का भोजन खा के क्या होती हैं, जीवित रहती हैं। अब आते हैं कीटक भक्षी। कीटक भक्षी क्या होता है? यह कीटकों को खाते हैं। यह वनस्पतियाँ क्या होती हैं? कीटक भक्षी होती हैं, कीटकों को खाकर अपना जीवन यापन करती हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे कौन कौन से ड्रासरा नेफेद नथिस रहती है, ये कीटक भक्षी वनस्पतियाँ होती हैं जो कीटकों को खाकर अपना जीवित रहती हैं इस धरती पर। अब आते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि वनस्पतियों में विविधता में वनस्पतियाँ जो हैं स्वयं पोषी होती हैं, दूसरा परपोषी होती हैं, तीसरा कीटक भक्षी होती हैं या कीटकों को खाकर अपना जीवित रहती हैं। अब आते हैं वनस्पतियों का वर्गीकरण। वनस्पतियों का जो वर्गीकरण है वो कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने सबसे पहले यह आवश्यकता समझी कि नहीं, वनस्पतियों में जिस प्रकार प्राणियों में बहुत सारी विविधता पाई जाती है उसी प्रकार वनस्पतियों में भी विविधता है, और उसी विविधता के आधार पर क्या किया गया, उनका वर्गीकरण किया। और ये इसकी आवश्यकता जानकर ही इन्होंने क्या किया, इसका वर्गीकरण करना अति आवश्यक है, इसीलिए इन्होंने बहुत सारे मुद्दे आवश्यकता के अनुसार इन्होंने रखे। वो कौन कौन से हम देखते हैं, तो पहले यहाँ पर देखिए वनस्पतियों के वर्गीकरण की आवश्यकता। जैसे पहला, उनमें पाई जाने वाली विविधता, आकार, फूलों की संख्या, रंग, गंध, फल इत्यादि बातों में क्या होती थी, भिन्नता है। उन्होंने देखा कि जो वनस्पतियाँ हैं उनके आकार जो आकार हैं वो अलग अलग हैं, फूलों की जो संख्या वो अलग है, रंग, गंध, फल इत्यादि बातों में क्या है, भिन्नता दिखाई दे रही है, तो इसलिए इनका वर्गीकरण करना चाहिए। अब आता है दूसरा, क्या सभी वनस्पतियाँ जो होती है एक जैसी दिखती हैं? नहीं ना, तो इसीलिए सबकी अगर हम सबको अलग अलग तरीके से वर्गीकरण कर देते हैं तो हमें पता चलता है ये इसके आधार पर इसका क्या उपयोग है, उसके आधार पर उसका क्या उपयोग है, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। अब आते हैं दूसरा जो पॉइंट है इसमें, विविधता का सही अध्ययन करके उन्हें पहचानना, जो विविधता है उनका सही अध्ययन करके उन्हें पहचानना। तीसरा, रचना, समानता, असमानता की विशेषताओं को समझना।
उनकी रचना कैसी है अर्थात उनकी बनावट कैसी है। कुछ वनस्पतियों में बहुत सारी समानता होती है, तो कौन कौन वनस्पतियों में समानता है, कौन कौन सी वनस्पतियों में कुछ भी समानता नहीं है और समान है की विशेषताओं को समझना, ये सब आवश्यकता के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया है। तो आते हैं, और सबसे पहले किन्होंने किया, कैरोलस लीनियस, ये याद रखना है आपको। अब उसके बाद आते हैं वनस्पतियों की रचना। वनस्पतियों की रचना में देखिए, जड़, तना, पत्तियाँ, फूल, फल, ये चार भाग होते हैं वनस्पतियों की रचना में। आप भी देखते हैं तो कुछ जो भाग जमीन के अंदर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं, और जमीन के बाहर क्या दिखाई देती है हमें, तना, पत्तियाँ, फल और फूल, ये सारी चीज़ें चार इस वनस्पतियों की जो रचना होती है इन पांचों के आधार पर बांटी गई रहती है, जड़, तना, पत्तियाँ, फूल और फल, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ये जो रचना है इनकी ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आइए हम चित्र के माध्यम से इसकी रचना के बारे में देखते हैं। तो बच्चों जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पौधा है, यहाँ पर आप देखिए ये इसकी जड़ है वो जमीन के अंदर है, और यहाँ पर उसका जो बाहरी भाग दिख रहा है उसमें आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे देखिए फूल है, फल लगे हुए हैं, पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं और तना है, ये इसके बाहरी जो भाग है अभी हमने पढ़ा। अब फूल की क्या विशेषता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फूल की जो विशेषता है वह यह है, यह वनस्पति का आकर्षक भाग है, यह लंबे अथवा छोटे डंठल द्वारा तने से जुड़ा होता है और फूल में विशिष्ट रंग और आकार होता है। जो आप देखते हैं विविध जो फूल होते हैं उनमें बहुत सारे रंग होते हैं, कोई लाल दिखता है, कोई हरा, कोई नीला, इस प्रकार, तो विशिष्ट रंग और आकार होता है। यह पुनरुत्पादन का महत्वपूर्ण अव्यय है अर्थात अंग है, अपने ही जैसे कि किसी मतलब दूसरे वनस्पति का यह निर्माण करते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अब आते हैं जो बाहरी भाग में, दूसरा जो भाग है वह पत्ती, यह फैली हुई है होती है, भोजन के निर्माण में इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्तियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, सरल और संयुक्त। सरल में क्या होगा, आपको एक पत्ती एक दिखाई देगी यहाँ पर आप देखेंगे, और संयुक्त में क्या होता है, एक साथ बहुत सारा झुंड में वह बनी होती है। अब तीसरा जो भाग होता है बाहरी वह है तना। तना यहाँ पर देखिए आप, वनस्पति की ऊंचाई तथा आकार तने पर निर्भर होती है। ऊंचाई तने के आधार पर ही जो वनस्पतियाँ होती हैं छोटी बड़ी हमें पता चलती हैं। तना भोजन के निर्माण, भोजन के वहन और भोजन के संचय अर्थात भोजन को इकट्ठा करने तथा कुछ वनस्पतियों में पुनरुत्पादन का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त तना वनस्पति के अन्य भागों को आधार देता है। इस प्रकार तना कितना महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं हम जो चौथा भाग है बाहरी, वह है फल। कौन सा है, फल, तो फल है यहाँ पर आप देखिए, फल भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, फलों में एक या एक से अधिक बीज होते हैं, सेम, मटर, सहजन आदि फलों के ही क्या हैं उदाहरण, जैसे आप सेम देखते हैं, मटर देखते हैं, सहजन देखते हैं आदि फलों के उदाहरण हैं, अर्थात फूल, पत्ती, तना और फल, यह क्या है, वृक्ष के बाहरी जो भाग है। अब आते हैं जड़, जड़ देखिए यहाँ पर, जड़ जो होती है वो मिट्टी के अंदर पाई जाती है, और जड़ का महत्वपूर्ण काम होता है, जड़ देखिए, मिट्टी के दृढ़ता अर्थात मजबूती से पकड़े रखना, वनस्पतियों को आधार देना और जमीन के पानी तथा पोषक तत्वों को शोषित करना और उनका वहन करना अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना जड़ों के मुख्य कार्य हैं। गाजर और मूली में जड़ें भोजन संग्रह करने का कार्य करती हैं। जो गाजर और मूली आप देखो मोटे लगते हैं तो जमीन के अंदर ही होती हैं, वो जड़ें होती हैं और वो क्या करती हैं, भोजन को इकट्ठा करती हैं, संग्रह करती हैं। जड़ों के दो प्रकार हैं, एक मूसला जड़ें हैं, दूसरा तंतुमय जड़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों जड़ों के प्रकार दिए गए हैं। देखिए मूसला जड़ें जो है वह आपको देख ऐसे दिखाई देती हैं, जैसे बरगद और गुड़हल की जो जड़ें होती हैं उसे हम मूसला जड़ें कहते हैं। अब आता है तंतुमय जड़ों में, देखिए प्याज और घास, प्याज और जो घास होती है वो क्या होती है, तंतुमय
जड़ें होती है। इस प्रकार हमने वनस्पति के देखिए यहाँ पर फूल फल पत्तियाँ और तना, ये बाहरी भाग देखा और यहाँ का जड़। इस प्रकार वनस्पतियों की रचना की गई है पांच भागों में और बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे बच्चों हमने अभी उसी चित्र के माध्यम से देखा कि जड़ के प्रकार, तो पहला क्या थी मूसला जड़ें। मूसला जड़ें में गुड़हल बरगद आम नीम इनकी जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ें होती हैं। अब आते हैं दूसरा तंतुमय जड़ें में गेहूँ मक्का जौ ज्वार बाजरा, ये तंतुमय जड़ें हैं। इनसे इस प्रकार जड़ों के दो प्रकार हम जाने। अब आते हैं तनों का आकार तथा उच्चन। अब तनों के आकार पे जैसे हमने भी पढ़ा कि तनों का जैसा आकार होता है उसी प्रकार तने ज़्यादा बड़े और मोटे मजबूत होते तो वृक्ष बन जाते, छोटे होते जमीन से सटे हुए थे तो झाड़ियाँ होती। इस प्रकार तनों के बहुत सारे आकार, तनों के आकार के आधार पर ही उनकी ऊंचाइयाँ निर्भर होती हैं वनस्पतियों की। सबसे पहले हम आते हैं वृक्ष। जो वृक्ष है वह भी इसकी क्या विशेषता है हम देखते हैं, ऊंचाई तक बढ़ना। इसकी विशेषता है ऊंचाई तक ये बढ़ना होता है। इसके जो तने होते हैं वो चीमड़ होते हैं, आकार बड़ा होता है इसका, तो अर्थात इसके तने इतने लंबे होते हैं कि बहुत ऊंचाई तक बढ़ते हैं और इसके जो तने चीमड़ होते हैं और आकार में मोटे और बड़े होते हैं। उदाहरण आप देखिए आम बरगद इमली ये सब क्या होते हैं, इसके जो आप वृक्ष देखोगे बहुत विशाल होते हैं और ये बहुत फैले हुए होते हैं और इसके तने जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। और ये आम बरगद इमली और बहुत सारे पेड़ पौधे वृक्ष हैं जो बहुवर्षीय होते हैं, अर्थात ये बहुत अधिक समय तक जीवित रहते हैं। अब आता है शुभ। शुभ अर्थात झाड़ी, जिसे हम झाड़ी कहते हैं, छोटी छोटी होती है, ये जमीन के समीप तक ही वृद्धि होती है। इनकी जो वृद्धि होती है वो जमीन के समीप तक ही होती है और इनकी ऊंचाई 2 या 3 मीटर होती है। इनकी ऊंचाई कितनी है, 2 या 3 मीटर। छोटा और ये आकार में क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। इनका तना पतला होता है और चीमड़ भी और ये कमज़ोर होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी हवा आए क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं या इनको कुछ धक्का थोड़ा सा लग गया तो टूट जाते। लेकिन इसी प्रकार आप आम बरगद और इमली के बहुत तेज़ आंधी आए तूफान आए तो भी ये टूटते नहीं हैं। तो ये वृक्ष और झुक में ये अंतर भी पाया जाता है। तो इसके उदाहरण में झाड़ियाँ कौन कौन सी होती, कनेर गुड़हल कटसरया ये सब के जो पेड़ होते हैं वो झाड़ी के नाम से जाने जाते हैं या छुप के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तनों के आधार पे हमने वृक्ष पढ़ा, छुप अर्थात झाड़ी। अब आते हैं तीसरा जो है इसमें तनों के आधार पे पौधा होता है। पौधा आप अपने घर पे भी लगाते हो, तुलसी का पौधा होता है आप लगाए रहते हो और छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसको गुलाब का पौधा भी हम घर में लगाते हैं। तो यहाँ पे जो पौधा होता है उसकी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है, 1 से 1.5 मीटर होती है। पौधा कुछ माह से लेकर 2 वर्ष का इनका जीवन काल होता है और ये लचीला तथा हरा, इसका जो तना होता है वो लचीला होता है और हरा होता है। तो इस प्रकार ये पौधे की क्या हो गई, विशेषता। अब इसमें क्या है, उदाहरण मेथी और सदाफुली। जो मेथी और सदाफुली के जो ये पौधे होते हैं हम क्या कहते हैं, छोटे होते हैं हरे होते हैं और इनकी जो जीवन काल होता है कुछ माह से लेकर 2 वर्ष तक होता है। इस प्रकार अब आते हैं तनों के आधार पर जो चौथा है वह लता है। लता तो आप गांव में जाते हो तो देखो डंडा के आकार सहारा देकर लगाया गया रहता है लता। जैसे यहाँ पर देखिए लचीली मुलायम तथा हरे तने, लचीली रहती है मुलायम रहती है तथा हरे तने और वृद्धि के लिए आधार की आवश्यकता होती है। जमीन के समांतर अथवा कमानी जैसे धागों के सहारे ऊंचाई पर भी वृद्धि होती है इनकी। अर्थात हम अब देखिए मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं घर में तो क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा होने पर उसको सहारा देते हैं, खिड़की है उस पर ऐसे लटका देते हैं, या तो नहीं तो आपके मम्मी क्या करेगी पतला सा डंडा लगाकर खड़ा कर देती है। करेले का पौधा हो गया, ये सब जो होते हैं, देखिए अंगूर का जो होता है पौधा उसको भी ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये सब क्या है, लताओं के आधार पर बढ़ने वाले पौधे होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, लता। ये बहुत लचीली मुलायम होते हैं, इनको जैसे सहारा देंगे इनका विकास और अच्छे तरीके से होता है और वृद्धि बहुत तेज़ गति से होती है। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण कुहड़ा तरबूज अंगूर मनी प्लांट ऐसे जो पौधे होते हैं वो लताओं, उनकी जो लताओं के आधार पर क्या होते हैं, इनका विकास होता है, इन्हें आधार चाहिए रहता है।
आधार अगर इनका मिलता इनको लगा दिया जाता है तो इनका जो विकास होता है वह बहुत तेज गति से होता है। ये हम तनों के आकार तथा ऊंचाई के आधार पर चार हैं, वृक्ष, छुप, पौधा और लता, ये चार भाग उसके होते हैं और इसके आधार पर उनका विकास होता है। अब आइए उदाहरण, अब जो है अगला पॉइंट, वनस्पतियों का जीवन चक्र। जो वनस्पतियों का जीवन चक्र कितने वर्ष तक का होता है, तो पहला तो एक वर्षीय होता है, अर्थात एक वर्ष तक की वनस्पतियाँ क्या होती हैं उनका जीवन काल, जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूँ, मक्का, गेंदा और सूर्यमुखी, ये जो वनस्पतियाँ होती हैं उनका जीवन काल एक वर्ष का होता है। अब आते हैं दूसरा, द्विवर्षीय अर्थात दो वर्ष का जीवन काल, इनका जन्म से जैसे इनका जन्म होता है उससे दो वर्ष तक ये क्या होती ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रहती है, जैसे गाजर, चुकंदर, ये सब जो वनस्पतियाँ होती हैं वो द्विवर्षीय वनस्पतियाँ होती हैं। अब आते हैं तीसरा जो है बहुवर्षीय, बहुवर्षीय अर्थात कई वर्ष तक जीवित रहने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुवर्षीय वनस्पतियों में इनका वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरण में आम, महुआ, नीम, बरगद, ये क्या है, बहुवर्षीय वनस्पतियाँ होती हैं। जैसे आप गांव जाते हो तो आप देखते हो कि इसके जो पेड़ होते हैं बहुत बड़े विशाल का है, आप बचपन में गए रहेंगे तब से अभी तक वो क्या है, जीवित है, तो इनका जीवन काल अत्यधिक होता है। अब आते हैं वनस्पतियों में जो फूल देते हैं से खिलते हैं जिस वनस्पतियों में उसे हम क्या कहते हैं, सपुष्प वनस्पति, जो फूल खिलते हैं जिन वनस्पतियों में फूल खिलते हैं इन्हें कौन सी वनस्पतियाँ कहते हैं, सपुष्प, और इनमें जड़ें, तने तथा पत्तियों जैसे अव्यय अर्थात अंग पाए जाते हैं, ये इसे हम क्या कहते हैं, सपुष्प वनस्पति आपके दिमाग में होना चाहिए, जिनमें जिन वनस्पतियों में फूल खिलते हैं, और अपुष्प वनस्पति में जिनमें फूल नहीं खिलते, अंतर स्पष्ट करो में आता है परीक्षा में आपके, तो इसमें फूल नहीं आते, इनमें जड़ तना पत्ती जैसे अवयवों का होना आवश्यक नहीं है, इसमें होना आवश्यक है, इसमें होना नहीं आवश्यक है, ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। अब अधिवास के आधार पर जो अगला हमारा जो पॉइंट है वो अधिवास के आधार पर अर्थात निवास स्थान, जो रहने का स्थान है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। पहला देखिए जमीन पर, जमीन पर रहने वाली वनस्पतियाँ कौन है, आम, कटहल और बहुत सारी वनस्पतियाँ जो जमीन पर उनका निवास होता है। अब पानी के समीप, और पानी के समीप अर्थात पानी के अंदर और पानी पर तैरने वाले, दो भागों में बांटा गया, तो पानी के अंदर आप देखते हैं शैवाल, नरई, ये जो वनस्पतियाँ होती हैं वो पानी के अंदर पाई जाती हैं, और पानी पर तैरने वाली कमल का फूल देखिए पानी पर तैरता है, जलकुंभी जो होती है वह भी पानी के ऊपर क्या करती है, तैरती है। अब तीसरा है यहाँ पर देखिए दलदल, दलदल में मैनग्रोव नाम की जो वनस्पति है वो पाई जाती है, जो इसका विकास दलदल में ही होता है। उसके बाद आते हैं मरुस्थल, मरुस्थल अर्थात रेगिस्तान, जहाँ पर पानी की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम वर्षा होने के कारण वहाँ पर नागफनी और सेहूर जैसी वनस्पतियाँ क्या होती है, पाई जाती हैं, सेहूर जैसी वनस्पतियाँ क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो इस प्रकार अधिवास के आधार पर अर्थात रहने के निवास के स्थान पर, जमीन पर और पानी के समीप अर्थात पानी के अंदर और पानी पर तैरने वाली, दलदल में और मरुस्थल में, इस प्रकार वनस्पतियों का निवास होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं प्राणियों में विविधता वर्गीकरण, प्राणियों में भी बहुत विविधता होती है, किसके आधार पर हम देखते हैं, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, कि अर्थात कितनी कोशिकाएं, हमने पिछले पाठ में यह पढ़ा भी था कि एक कोशिकीय अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय, यह हमें इस अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देती, अगर इसे हमें देखना रहता है तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम इसे अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद आता है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय में मनुष्य, मेढक, मुर्गी आदि, इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, बहुकोशी होती हैं, इनमें पाई जाती हैं अर्थात एक से ज़्यादा होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुकोशीय प्राणी कहते हैं, जैसे उसमें मनुष्य, मेढक, मुर्गी, वृक्ष
आदि आ जाते हैं। तो ये संख्याओं की, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया, एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। अब आगे आते हैं मेरुदंड के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया। मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी, अर्थात जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ पर देखिए दो भागों में बांटा गया इनको, कशेरुकी प्राणी जिसमें मेरुदंड होता है, जैसे मनुष्य, मछली और पक्षी, ये सब क्या है, कशेरुकी प्राणी है, इनमें मेरुदंड पाया जाता है। अब आते हैं अकशेरुकी प्राणी। अकशेरुकी प्राणी जिसमें मेरुदंड नहीं होता, अर्थात रीढ़ की हड्डी इसमें नहीं पाई जाती, उदाहरण केचुआ, घोंघा, सितारा मछली, ये सब जो होते हैं। आप देखिए केचुआ को अगर ऐसे मोड़ोगे तो मुड़ जाता है, किसी भी तरह से आप मोड़िए। घोंघा भी ऐसे ही होता है, वो ऐसे बहुत गुजगुज होता है, उसके अंदर हड्डियाँ मेरुदंड नहीं पाया जाता, इसीलिए केचुआ, घोंघा, सितारा मछली, ये क्या है, अकशेरुकी प्राणी है। तो मेरुदंड के आधार पर दो भाग हैं, कशेरुकी प्राणी का, दूसरा अकशेरुकी प्राणी। अब आते हैं प्रजनन के आधार, जो अगला है वह प्रजनन के आधार पर है, अर्थात पुनरुत्पादन, अपने जैसे ही किसी दूसरे सजीव का या प्राणी का निर्माण करना। अब यहाँ पे पहला जो है अंडज, अर्थात ऐसे प्राणी जो अंडा देते हैं, अंडा देने वाले प्राणी, जैसे सांप, पक्षी, मछलियाँ। मछलियों को आप देखे हो कभी, आप डिस्कवरी में जाइए देखिए एक साथ कितने सारे अंडे देती हैं, उनकी प्रजनन करते समय आप ध्यान दीजिए, एक साथ बहुत सारे अंडे वह देती हैं, और वह अंडे बाद में क्या होते हैं, मछलियों के रूप में विकसित होते हैं। तो कौन हो गया, सांप, पक्षी और मछलियाँ, ये सब अंडे देने वाले प्राणी। इनके अलावा भी बहुत सारे प्राणी हैं, उनके नाम आप खोज कर लिखिए। दूसरा है जरायुज, जरायुज अर्थात अपने जैसे ही बच्चे उत्पन्न करने वाले जो प्राणी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जरायुज। जैसे बच्चे पैदा करने वाले सभी स्तनधारी प्राणियों को हम क्या कहते हैं, जरायुज प्राणी कहते हैं। तो प्रजनन के आधार पर अंडज और जरायुज, ये दो भाग बांटे गए। अब आते हैं अधिवास, निवास के आधार पर। अब निवास के आधार पर वनस्पतियों का तो हमने निवास देख लिया, अब प्राणियों का हम देखते हैं। जैसे भूचर अर्थात भूमि पर रहने वाले जो प्राणी हैं, मानव, हाथी, हिरण, बाघ और अन्य प्राणी जो हैं। जलचर का मतलब है जल में रहने वाले प्राणी, अर्थात पानी में रहने वाले प्राणी। तीसरा है उभयचर, उभयचर देखिए ध्यान से सुनिए, जमीन तथा पानी दोनों स्थानों पर श्वसन करने वाले प्राणी को हम क्या कहते हैं, उभयचर प्राणी। इसमें जैसे मेढक, मेढक जमीन पानी के अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। सैलमेंडर, सैलमेंडर भी क्या होता है, जमीन के जब पानी के अंदर भी रहता है, श्वसन कर सकता है और बाहर भी। अब चौथा है नभचर, नभचर नभ मतलब आकाश, नभचर आकाश में रहने, आकाश अर्थात जमीन के ऊपर रहने वाले जो प्राणी हैं, सजीव हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नभचर। उदाहरण पक्षी तथा कीटक जो आकाश में उड़ते हैं। तो इसी प्रकार देखिए अधिवास के आधार पर जो प्राणियों को चार भागों में बांटा गया, भूमि पर रहने वाले, जल में रहने वाले, उभयचर में जमीन तथा पानी दोनों पे श्वसन करने वाले, नभचर आकाश में उड़ने वाले या रहने वाले जो पक्षी तथा कीटक होते हैं, इस प्रकार। तो हम इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार, इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार वनस्पतियों और प्राणियों को अलग अलग तरीकों से आवश्यकता के अनुसार बांटा गया, उनके रंग रूप को देखकर बांटा गया, रहने के स्थान को देखकर उन्हें बांटा गया है। तो इसको बांटने की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि अगर हम इसको इसकी आवश्यकता के अनुसार वर्गीकरण जो हमने किया है तो उसके आधार पर क्या होता है, जब भी हम कुछ करने जाते हैं, खोजने जाते हैं, तो हम उसी भाग में जाते हैं कि नहीं, पत्ती है तो हम पत्ती के आधार पर, पत्ती के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया, तो जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें क्या होती है, आसानी से मिल जाती है। इसीलिए किसी भी चीज़ का हमें क्या वर्गीकरण करने पर क्या होता है, आसानी होती है। तो बच्चों आज इस वीडियो में जो कुछ आपने पढ़ा है उसे अच्छे से समझिए और बार बार वीडियो देखिए, और जो आपको समझ में आता है उसको लिख कर अच्छे से याद कीजिए, और शुक्रवार के दिन आप इसे अच्छे से लिख के जो लिखे हैं उसे ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।